गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास फोर्थ की हिंदी प्रभा बुक का चैप्टर 7, जिसमें बताया गया है हमें अच्छी आदतों के बारे में। तो पाठ के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ में अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम अच्छी आदतों को अपनाकर स्वस्थ एवं खुश रह सकते हैं। तो बच्चों, आपको इसमें एक सुंदर सा लोगो भी दिया हुआ है, तो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। हमारा शरीर जो है एक मशीन की भांति है। क्या है? शरीर एक मशीन की भांति है। इसके बहुत से छोटे बड़े हिस्से हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी हिस्सों का ठीक ठीक काम करना जरूरी है। तो स्वस्थ जो रहना है हमें, तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के जो सभी हिस्से हैं उनका ठीक ठीक रहना जरूरी है और ठीक ठीक काम करना भी जरूरी है। शरीर के सभी अंग ठीक काम करें इसके लिए शरीर की अच्छी देखभाल जरूरी है। हमारा जो शरीर है इसके सभी अंग अच्छी तरीके से शरीर की देखभाल करें इसके लिए हमारे शरीर की हमें देखभाल भी अच्छी जरूरी है। शरीर की अच्छी देखभाल के लिए कुछ आदतें जो है, अच्छी आदतें वह भी हमें अपनानी पड़ती है। तो सबसे देखते हैं हम कौन कौन सी आदतें हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए पहली जरूरी बात तो यह है कि हम अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखें, हमारे शरीर को साफ रखें। और साफ रखने के लिए हमें उठकर प्रातः शौच जाना, अच्छी तरह हाथ मुंह साफ करना, दांतन और ब्रश करना जरूरी है। तो यह हमारे शरीर की सफाई के लिए सबसे पहले उठते ही जरूरी है। इसके बाद हल्का व्यायाम करना और साफ जल से जो है हमें स्नान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें उठकर के शौच जाना, हाथ मुंह धोना और फिर हमें ब्रश करना जरूरी है। उसके बाद हल्का सा व्यायाम करके हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जो है शरीर में ताजगी आती है और स्नान करने के बाद जो हमारे उतारे हुए जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें हमें नहीं पहनना चाहिए, हमें कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। उसके पश्चात अगला आता है रात को सोते समय सोना और सुबह जल्दी उठना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी अगली आदत होनी चाहिए वह हमारी रेगुलर रनिंग में जो रोज़ाना होनी चाहिए वह आदत होनी चाहिए कि हमें समय पर सोना चाहिए और सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। देर रात तक जो हम टेलीविज़न देखते रहना स्वास्थ्य और आँखों के लिए हानिकारक होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत रात तक टीवी देखते रहते हैं और जब आप रात को समय पर नहीं सोओगे तो सवेरे भी आपको समय पर नहीं उठ सकते हो। तो इसलिए हमें ज़्यादा देर तक भी टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए क्योंकि टेलीविज़न देखने पर हमारे स्वास्थ्य, मस्तिष्क और आँखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित खेलकूद भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें नियमित खेलकूद भी करना चाहिए। खुली हवा में खेलने कूदने से हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। और नियमित खेलकूद जो है, अगर हम डेली व्यायाम करते हैं, नियमित खेलकूद करते हैं तो हमारे शरीर मजबूत बनता है। और खेलकूद करने से हमें थकावट होती है तो हमें नींद भी अच्छी आती है, जिससे तुम सुबह उठने पर तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। अगर थकावट के साथ अगर हम नींद निकालते हैं तो हमारा शरीर जो होता है नेक्स्ट डे वापस तैयार हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और ज़रूरी बात है अपने खान पान पर समुचित ध्यान रखना। अगर इसके अलावा भी हम और आदतों पर ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा खान पान भी सुनिश्चित होना चाहिए। और ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जब चाहे खा लें, जो जी चाहे वो खा लें। ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। हमारा इसमें कुछ न कुछ एक समय होना चाहिए खाने का। तुम्हारा भोजन स्वस्थ और पौष्टिक होना चाहिए, स्वस्थ और पौष्टिक होना चाहिए। और बाज़ार की चाट पकौड़ियाँ जो है स्वास्थ्य के लिए हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो हमें मार्केट से खरीदी हुई जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, पकवान बने हुए मार्केट से जो
होते हैं, मिष्ठान भंडार होते हैं, वो जो हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। खुले में रखी खान चीज़ों को खाने से भी जहर के सदृश है। तो जहाँ आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स पर बहुत सारे आइटम खुले में पड़े हुए होते हैं, और जब इन खुले हुए आइटम्स पर मक्खियाँ बैठती है, और मक्खियाँ जब इन्हें दूषित कर देती है, और जब इन चीज़ों को हम खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अतः ये जो बीमारियाँ होती है ये हमारे शरीर पर धीरे धीरे असर करती है, और ऐसी चीज़ों का सेवन से हमें परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुली में रखी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर जो है ये चीज़ें जो है जहर के समान हैं। उसके पश्चात यदि बाज़ार से खरीदी गई चीज़ें खानी हो तो हमें उन्हें ऐसी जगह से खरीदनी चाहिए जहाँ दुकान साफ़ हो, सुथरी हो, साफ़ सुथरे ढंग से ढक कर रखा गया सामान हो, मौसम के अनुसार ताज़ा फल स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी होते हैं उन्हें हमें खरीदना चाहिए। किंतु बाज़ार से खरीदे गए और लाए गए फिटो फलों पर धूल मिट्टी होती है, तो हमें उन्हें ऐसा का ऐसा ही नहीं खाना चाहिए। हमें बाज़ार से लाई हुई सब्जी फल फ्रूट जो होते हैं उन्हें हमें खाने से पहले जो है साफ़ जल में अच्छी तरीके से धोना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना आवश्यक है कि और वह है अपनों से बड़ों और छोटों के प्रति तुम्हारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो हमारे परिवार, चाहे पड़ोसी, मोहल्ला, गांव, नगर या रिश्तेदार, जहां पर भी हम जाएं तो हमें हमेशा अपनों से बड़ों के प्रति जो है सम्मान करना चाहिए और व्यवहार जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा आचरण, रहने और बोलने का तरीका, सम्मान करने का तरीका अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हम जो हमने ऊपर जो भी आदतें पड़ी हैं, चाहे अपन समय पर उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मंजन, नहाना, स्नान करना, पढ़ना, खेलना, नियमित जो कार्य कर रहे हैं अपन, अच्छी आदतें उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा दूसरों के सामने आचरण अच्छा नहीं है तो हमारे जो स्वास्थ्य पर जितने भी हम आदतें हैं वो हमारी किसी काम की नहीं है। अतः व्यक्ति को अपने शरीर और मन और दोस्तों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए और अपनी आदतों को जो है अच्छा रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आपका अध्याय 7 कंप्लीट होता है। इसके पश्चात इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह अपन नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।